Hi guys, assalamu alaikum and welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे से होंगे. तो आज जो है ना, मैंने अपना vlog start किया है lunch से, और lunch मैंने almost prepare करने लगी हूँ. और क्योंकि आज मैं जल्दी जल्दी lunch बना रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना भी है बाहर. और आज मैं chicken सिनवाड़ी बना रही हूँ, जो कि चिनवाड़ी कढ़ाई बोल सकते हो आप लोग. ये पाकिस्तानी रेसिपी है और ये खाने में बहुत टेस्टी बनता है. मैंने ये रेसिपी जो है ना यूट्यूब से ही देखा था, और ये रेसिपी मैंने यूट्यूब में देखा और बहुत सिंपल लगा मुझे. तो मुझे लगा ये खाने में पता नहीं कैसे होगा, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा. ये सिर्फ ऑयल में ही पकता है चिकन जो है ना, ये सिर्फ ऑयल में ही पकता है. और इसी ऑयल में मैं जो है टमाटर को ये काट रही हूँ, और टमाटर को मैं ऐसे डाल दूँगी ताकि टमाटो सॉफ्ट हो जाए और उसका स्किन जो है वो मैं आसानी से रिमूव कर पाऊँ. और यहाँ पर ना कोई भी मसाला एक्स्ट्रा नहीं डलता है, और ये बहुत टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा. इससे ना आप राइस के साथ खाओ, पराठे के साथ खाओ, पुलाव के साथ खाओ, किसी के भी साथ खाओ, ये खाने में बहुत ज़बरदस्त बनता है. ये देखिए चिकन जो है ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है. चिकन को फ्राई करना है, बहुत अच्छे से फ्राई करना है. उसी बाद उसी ऑयल में ना टोमेटो को डालना है, ताकि टोमेटो भी उसी ऑयल में जो है ना सॉफ्ट हो जाए. ये देखिए टोमेटो कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गया. उसके बाद जो है मैं यहाँ पे चिकन को टोमेटो का जो स्किन है वो रिमूव कर लूँगी. और आप लोग देख ही सकते हो, मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा बोलने की भी ज़रूरत नहीं, ये बहुत ईजी आसानी से देख देख के ही पता चल जाएगा ये रेसिपी कैसे बनता है. तो यहाँ पर ना मैंने ये देखिए हटा दिया है, बहुत ईजीली रिमूव हो जाता है जब आप टोमेटो को ऐसे बॉईल करोगे या ऑयल में भी फ्राई करोगे ना, तो सॉफ्ट. यहाँ पे मैं ना यह जो ऑयल है वो रिमूव कर दिया है मैंने यहाँ पे ऑयल, और यहाँ पे कम ऑयल मैंने, जितना ऑयल मुझे ज़रूरत है अभी रेसिपी बनाने के लिए वह उसी हिसाब से मैंने ऑयल को ले लिया है. तो अभी टोमेटो देखिए कितने सॉफ्ट हो गया, और टोमेटो गल गया पूरा सॉफ्ट होके, देखिए मैश हो गया. तो इसी हिसाब से आपको टोमेटो को ना पकाना है. और यहाँ पे हरी मिर्चें डाल दिया है मैंने बहुत सारे, आप अपने हिसाब से डालिए जितना आपको हरी मतलब स्पाइसी पसंद है. तो ये देखिए चिकन जो है बहुत भून के, बहुत भूनना मतलब जितना भी हो ना, चिकन हो मटन हो, आप जितना भूनोगे ना तभी टेस्ट जो है ना एनहांस होता है, बहुत यम्मी बनता है. ये देखिए मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे सच में अभी फिर से याद आ गया है चिकन का, और ये खाने में बहुत ज़बरदस्त बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए आप लोग ज़रूर. और ये देखिए भून के ना यहाँ पे मैंने डाल दिया है ब्लैक पेपर क्रश वाला. तो यहाँ पे ब्लैक पेपर डाल रही, धनिया डाल दीजिए, और ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई सिनवाड़ी कढ़ाई बन के रेडी हो जाता है. और आप सब कैसे हो मुझे ये ज़रूर बताना. मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ. अभी जो है रमज़ान भी ऑलमोस्ट आने वाला है, तो ये जो रेसिपी है मैंने इसीलिए शेयर किया ताकि आप लोग रमज़ान में भी कभी जब मन करे आप बना के खा सकते हो, इफ्तारी हो सहरी हो. ये ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत सिंपल और ईजी रेसिपी है. तो रमज़ान का जो भी प्रिपरेशन है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह. अगर देखना है तो मुझे कमेंट्स करिएगा, ओके, तभी मैं शेयर करूँगी, नहीं भी शेयर करूँगी मैं अपना चैनल पर ज़रूर. और यहाँ पे ना हमने लंच किया, उसके बाद थोड़ा सा बाहर आ गए थे, हमें एक काम था एक्चुअली, जैन को डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था तो वहीं पे हम आ रहे थे. और यहाँ पे जो है हम गए थे सिड्रा पे, तो सिड्रा हॉस्पिटल बहुत खूबसूरत है, तो मैं वहीं पे हम जा रहे थे, ऑन द वे है. और अभी जो है मौसम ठीक ठाक है, इतनी गर्मी नहीं है. और ये वाला रोड देखिए आयते लिखा हुआ है, कितना प्यारा आयते लिखा हुआ है. ये पूरा रोड अभी भी बन रहा है, और ये है सिड्रा. Thank you.
तो वहाँ से हम आ गए थे MI पार्क में और जिशान और जाया ने बहुत एंजॉय किया क्योंकि बहुत टाइम बाद ये दोनों आए हैं पार्क में और मैं ये कैप्चर करती हूँ मेमोरीज ताकि जिशान और जाया बड़ा होकर ये सब देखें और उनको बहुत अच्छा लगेगा। और अभी जो है ना मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल क्योंकि मुझे बूस्टर लगना था आज, तो यहाँ पे मैं आ गई थी। यहाँ पे नीचे देखिए पूरा खाली है क्योंकि बूस्टर ये जो वैक्सीन लग रहा है वो फ्राइडे सैटरडे होता है, तो ऊपर है वैक्सीनेशन का और नीचे पूरा खाली है क्योंकि फ्राइडे सैटरडे ये जो है ये क्लोज होता है नीचे वाला पर्सन रेगुलर जो डॉक्टर का वो है वो सब क्लोज होता है। तो रात मैंने जो है मेरा अपॉइंटमेंट था रात को, तो यहाँ पे मैं आ गई थी और जयान जो है यहाँ पे भी बहुत आवाज़ें निकाल रहा था, सबको बुला रहा था। तो मेरा बूस्टर लगने का बाद में आज वॉइस ओवर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। जो हालत मेरी हुई थी ना बहुत ख़राब हुआ था क्योंकि मैंने पहले भी दो डोज लिया था, सेकेंड टू डोज, लेकिन इतना हालत ख़राब मेरी नहीं हुआ था, लेकिन बूस्टर के बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हुआ और मुझे फ़ीवर भी आ गई थी बहुत ज़्यादा और जैसे वीकनेस इतना हुआ था ना मत बताइए। तो अभी बूस्टर लेके जो है हमने जो डिनर पैक कराया था क्योंकि मुझ में इतना दम नहीं था कि घर जाके मैं डिनर भी बनाऊँ, और क्योंकि निकली हुई थी दिन में ही बहुत जल्दी, तो अभी जो है हो गया था और हमने जो यहाँ से कुछ लिया था डिनर के लिए, तो उसके बाद हम घर गए थे। और आई होप आप लोगों को ये व्लॉग जो है अच्छा लगा है और एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई भी मेरे चैनल पे हो न्यू तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि कोई वीडियो मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर पाऊँ। और रमजान की वीडियोज़ भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगा, नेक्स्ट वीडियो शायद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी प्रिपरेशन रमजान की। तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ और मिलती हूँ तब तक के लिए, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।